बच्चों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर और टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये कहें तो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं, ठीक। यानी कंप्यूटर के बारे में सीखने की शुरुआत इसी यहाँ से ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ कंप्यूटर? इस क्वेश्चन से मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो बच्चों, सिंपल भाषा में कहा जाए, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लिखा हुआ कंप्यूटर, अब हम देखते हैं डेफिनेशन। कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गिव रिजल्ट एंड सेव आउटपुट फॉर द फर्दर यूज़। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रो डेटा, कच्चा डेटा लेती है इनपुट के लिए यूज़र से एंड प्रोसेस द डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करती है दिए हुए इंस्ट्रक्शन से यानी प्रोग्राम से, और गिव द रिज़ल्ट और यूज़र को रिजल्ट देती है एंड सेव आउटपुट और उसको सेव करती है फर्दर यूज़ के लिए। ये एक कंप्यूटर मशीन है। तो इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है कि किसी भी हर किसी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। तो बच्चों, फुल फॉर्म से पहले जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया? कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कॉम्प्यूटरे, COMPUTARE, कंप्यूटरे से आया है। इस कंप्यूटर का मीन होता है कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन, यानी इसे गणना करने वाली या प्रोग्रामेबल मशीन होती है। याद रखना, द कंप्यूटर टर्म इज डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटरे, दिस मीन टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन। तो कंप्यूटर वर्ड की एक छोटी सी फुल फॉर्म बनाई हुई है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में कई पूछ सकते हैं इसको। कंप्यूटर, इट मीन सी फॉर कॉमनली, ओ मीन ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। इट मीन कंप्यूटर इज़ ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। और जानने वाली चीज़ बच्चों ये है, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर। ग्रैंड फादर भी नहीं, एक मीन कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये समझिए। यहाँ पर द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसका नाम था, इट वाज एनालिटिक इंजन, जिसे हम एनालिटिक इंजन के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। देखो, जैसा कि आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली ऐसे विकसित नहीं हुआ, इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे स्टेप और बहुत सारी मशीनें डेवलप की गई, तब जाके आज आपके सामने कंप्यूटर है। अब जो एनालिटिक इंजन का यूज़, रीड ओनली मेमोरी फ्रॉम पंच कार्ड, पंच कार्ड से मेमोरी को रीड करने के लिए किया जाता। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसकी हमारा टॉपिक है आज का। देखो, कंप्यूटर मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कंप्यूटर आज आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही इन्वेंट नहीं हो गया डायरेक्टली, इसे के विकास में बहुत बड़ा एक क्रम रहा है। जैसे मनुष्य, आप मनुष्य जाति को देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहते हैं बंदर से हुई थी। पहले उसने धीरे धीरे दो पैरों पर चलना सीखा, फिर सभ्यता सीखी, फिर बोलना सीखा, उसमें बहुत सारे आविष्कार किए। ऐसे ही कंप्यूटर का भी सीधा विकास नहीं हो गया, उसके विकास की सबसे पहली कड़ी थी अबैकस। कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले अबैकस आया, उसके बाद कहते हैं नेपियर बोन्स भी आया था। हम नेपियर बोन्स को नहीं काउंट करेंगे, फिर आया पास्कलाइन। मैंने आपको, आपके सामने उन्हीं टर्म्स को लिया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। जैकवार्ड लूम आया, फिर डिफरेंस इंजन, फिर एनालिटिक, थोड़ा ऑर्डर याद रखिएगा, पहले अबैकस, पास्कलाइन, जैकवार्ड लूम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, और फिर एंटोनोव बेरी कंप्यूटर। यहाँ कंप्यूटर, यहाँ तो कंप्यूटर आना शुरू हो गया। फिर मार्क वन, एनिक, एडविक,
यूनिवैक, पीडीपी सीरीज, फिर माइक्रो कंप्यूटर जो आप देखते हैं आजकल और आप यूज़ करते हैं पेंटियम सीरीज के कंप्यूटर, ठीक ओके। आज अब देखते हैं बच्चों अबेकस, अबेकस क्या है। तो बच्चों अबेकस आपने देखा होगा बच्चों को गिनती सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो 3000 BC पहले, बिफोर क्राइस्ट, 3000 BC क्राइस्ट, द फर्स्ट मैन मेड कंप्यूटर डिवाइस द अबेकस, ठीक है। इन मनुष्य ने एक डिवाइस बनाया, इसका नाम दिया अबेकस। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें डिफरेंट कलर के सीड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक। इनका इनका यूज़ काउंटिंग सिखाने के लिए, काउंटिंग करने के लिए किया जाता है। इन द अबेकस स्मॉल बीड्स आर अरेंज इन ए ऑन ए सीरीज ऑफ वर्टिकल रॉड्स इन अ मैनर दैट बाय मैनिपुलेटिंग दैम इट इज़ पॉसिबल विद सम स्किल एंड प्रैक्टिस टू मेक रैपिड कैलकुलेशंस। इन्हें क्या था, जल्दी गणना करने के लिए इनका उपयोग किया जाने लगा। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग पास्कलाइन, एंड हम आपको पास्कलाइन दिखाया हुआ बच्चों, ये पास्कलाइन कैलकुलेटर है, ठीक। और ये इसका एक पार्ट है, ये रहा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को सेट कर देते। इसका यूज़ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन एज लाइक मल्टीप्लाई करने के लिए करते थे, ठीक। तो बच्चों पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया, याद रखना, ब्लेज पास्कल वाज द फ्रेंच साइंटिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड मैथमेटिशियन एंड फिजिशियंस ऑफ हिज टाइम। ही हैज इन्वेंटेड एन अर्ली कैलकुलेटर, उस टाइम पर उसने कैलकुलेटर फाइंड किया। यानी पास्कलाइन क्या बच्चे, कैलकुलेटर है। पास्कलाइन इन्वेंटेड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर यूजिंग पास्कलाइन इन 1642। यानी पास्कलाइन का डिस्कवर ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। इट एडिड नंबर्स एंटर विद डायल्स, उसने नंबर ऐड किया था वो डायल के द्वारा। ये डायल है बच्चों, ये डायल है, ये आपका ये डायल, इस हर डायल पर नंबर होते, 10 तक नंबर होते थे इन पर, ठीक। एंड वाज मेड टू हेल्प हिज फादर इन टैक्स कैलकुलेशन, बच्चों ठीक है बच्चों। क्या किसका यूज़ करते हैं, टैक्स कैलकुलेशन को यूज़ करने में इसका उपयोग किया जाता था। अब आते हैं इस सीरीज में, आगे जानते हैं हम लोग जैकवार्ड लूम, आपको जिसे हम कहते हैं पावर लूम, कपड़ा बुनने के लिए यूज़ करते हैं, जैकवार्ड लूम उपयोग किया गया। जैकवार्ड लूम ही बच्चों एक वो मशीन थी जिसमें सबसे पहले मेमोरी का यूज़ किया गया। मेमोरी मतलब पंच कार्ड, पंच कार्ड के जरिए कहाँ पर हमको डिज़ाइन देना है उस मेमोरी को उसमें स्टोर किया गया, ठीक। एक इसमें पंच कार्ड बनाया गया, इसे कपड़ों में डिज़ाइन दिए जाने लगे, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, इन्वेंटेड बाय जैकवार्ड लूम, इन्वेंटेड बाय जोसेफ जैकवार्ड एंड डिमोन्स्ट्रेट इन 1801। द जैकवार्ड लूम इज़ अटैच द पावर ऑफ फैब्रिक लूम्स। द जैकवार्ड लूम इज इम्पोर्टेंट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ फर्स्ट मशीन टू यूज़ इंटरचेंजेबल पंच कार्ड टू इंस्ट्रक्ट ए मशीन परफॉर्म ऑटोमेटिक टास्क। बच्चे ये जैकवार्ड लूम ही कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्या था, क्रांतिकारी थी। इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिक डिज़ाइन देने के लिए टास्क थे उसके दिए हुए थे, जिससे पंच कार्ड ऑटोमेटिक चेंज होते थे और डिज़ाइन में रिपीट करता था, डिज़ाइन हम दे सकते थे उसके अंदर, ठीक है। इसका यूज़ क्या गया, कहाँ किया गया बच्चों, फैब्रिक लूम्स में किया गया। अब आता है डिफेंस इंजन, कौन सा डिफेंस इंजन, यहाँ से असली नींव पड़ी, इस पंच कार्ड का यूज़ करते हुए असली नींव पड़ी यहाँ पर डिफेंस इंजन में। अब यह डिफेंस इंजन फर्स्ट क्रिएट बाय चार्ल्स बेबेज, किसने, इस ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिज़ाइन टू टेबुलेटर पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी इसका उपयोग पॉलिनोमियल फंक्शन के कैलकुलेशन में करते थे। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द मैथड डिवाइडेड डिफरेंस, यानी इसका उपयोग डिवाइड करने में, डिफरेंस करने में उपयोग करते थे। ए वे टू इंटरपोलेट और टेबुलेट फंक्शंस बाय यूजिंग स्मॉल सेट ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट। मोस्ट मैथमेटिकल फंक्शन कॉमनली यूज्ड बाय इंजीनियर साइंटिस्ट एंड नेविगेटर इंक्लूडिंग लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय पॉलिनोमियल। सो ए डिफरेंस इंजन कैन बी कंप्यूट मैनी यूजफुल टेबल्स ऑफ नंबर्स, यानी बच्चों डिफरेंस इंजन के माध्यम से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, बड़ी बड़ी डिविजन्स इसके द्वारा आसानी से कर सकते थे, ठीक। यानी अब हम लोग क्या कर सकते थे, एक कैलकुलेटर डेवलप कर लिया जिसमें हम लोग लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन
आसानी से कर सकते हैं इसके द्वारा। अब आते हैं हम लोग एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन भी बच्चों चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया, ठीक है, कब किया था 1837 में, ठीक, डिफरेंस इंजन की सक्सेस के बाद, ठीक। यही है असली कंप्यूटर की नींव, जहाँ से हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को हम कहते हैं कैलकुलेशन करती है वो। एनालिटिक इंजन इनकॉर्पोरेटेड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALI, अर्थमेटिक यूनिट कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल ब्रांचिंग एंड लूप्स एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी, यानी यही इंजन एनालिटिक इंजन ही कंडीशनल ब्रांचिंग कर सकता था, लूप को कंट्रोल कर सकता था और इंटीग्रेटेड मेमोरी इसके पास थी, ठीक, यानी इससे बेटर था। इसका यूज़ भी लॉग उन कैलकुलेशन को, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया गया। ये बच्चों आपकी एनालिटिक इंजन। आगे चलते हैं हम लोग, अब इसको आता है कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से हो गई। अब आता है मार्क वन कंप्यूटर। तो मार्क वन कंप्यूटर में क्या था बच्चों, द मार्क वन कंप्यूटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप किया था इसमें 1944 में। दिस इज स्पेशल स्टेप इन कंप्यूटर हिस्ट्री, ये पहला क्या बहुत ही क्रांतिकारी कदम था ये भी कंप्यूटर हिस्ट्री में, बिकॉज मार्क वन द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की हिस्ट्री का सबसे पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। नाम क्या बच्चे इसका, मार्क वन किसने डेवलप किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था इसको। आगे बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ही, NIC। अब NIC क्या है बच्चों, NIC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक, यानी इसकी फुल फॉर्म याद रखना, फॉर्म पूछे थे कई बार, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये बच्चों ये NIC था पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिवा एंड IBM दोनों की मदद से बच्चों इसको बनाया गया। अब वास्ट प्रोग्राम एंड री राइंग फ्रंट पैनल, इसे फ्रंट पैनल दिखाई दे रहा बच्चों को, ये यहीं क्या करता, पंच कार्ड लगे होते, डाटा स्टोर होता था, यहीं से इनको प्रोग्राम किया जाता। यूज़ 18,000 ट्यूब विच जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट एंड ऑफन बर्नड आउट। तो बच्चों आपको बता दें, जो पहले कंप्यूटर थे किस पर क्या चलते थे, वो वैक्यूम ट्यूब पर चलते थे, तो जिसके कारण में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती थी, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें AC का यूज़ किया जाता। वास्ट 2000 टाइम फास्टर देन मार्क वन, ये मार्क वन से 2000 गुना क्या था, 2000 टाइम फास्टर था। वाज आल्सो यूज बाय मिलिट्री आर्टिलरी कैलकुलेशन, है इसका कहाँ यूज़ किया गया, इसे सेना में इसको उपयोग किया गया। आगे बात करें एडबैक, इसका अपर वर्जन कह सकते हैं हम लोग। इट टू डे चेंज एंड NIC प्रोग्राम्स, ठीक बच्चों, अब दिन बदलते गए, कंप्यूटर सुधार होते गए, तब तो क्या आएगा NIC के बाद में क्या आएगा, एडबैक आ गया, ठीक है। इसे किसने कहा, जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका डिज़ाइन किया था इसको। इसी अब क्या था, ये हमारा प्रोग्राम देने पड़ते थे, ये प्रोग्राम स्टोर कर सकता था। आफ्टर NIC एंड एडबैक एंड अदर कंप्यूटर विद ह्यूमरस नेम्स सच एज ILLIAC जॉनिक एंड MANIC, इसके बाद और कंप्यूटर है LIC जॉनिक और MANIC आए थे, उनसे मतलब नहीं, हमें एडबैक याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब आता है यूनिवैक, ठीक। इस ये थोड़ा साइज छोटा हो गया, दिखने में अच्छा लगने लगा, ठीक है बच्चों। यूनिक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, क्या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन। इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द कॉमर्शियल यूज, ये पहला कंप्यूटर इसे कॉमर्शियल यूज़ के लिए उपयोग किया गया। किसने क्या बच्चों इसका यूज़, इट वाज गिवन टू US ब्यूरो सीनस इन 1951, यानी यूनिवैक का उपयोग अमेरिका में सबसे पहले 1951 में हुई जनगणना में किया गया। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन, इसका उपयोग साइंटिफिक और कॉमर्शियल एप्लीकेशन दोनों के लिए किया गया। या ये था एवोल्यूशन, उसके बाद हम PDP आपके नॉर्मल कंप्यूटर आ गए। कल पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।